बुलंदशहर में एक दबंग ने न सिर्फ दलित किशोरी के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया बल्कि अपने साथी को बुलाकर रेप की घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया। इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता की कनपटी पर तमंचा लगाकर किसी को भी घटना की जानकारी देने पर उसके परिवार को जान से मार देने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक दबंग ने न सिर्फ तमंचे के बल पर दलित किशोरी को अपनी हवस का शिकार बना डाला बल्कि आरोपी ने अपने एक अन्य साथी को मौके पर बुलाकर घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कराया। आरोप है कि दबंग आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर वीडियो वायरल करने और पीड़िता के परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घटना के 3 दिन बाद पीड़िता का अश्लील वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी तो पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया। पीड़िता की माने तो आरोपी पीड़िता के घर से बाइक पर बिठाकर खेत से भिंडी और खीरा तोड़ने के लिए लेकर जा रहा था मगर आरोपी पीड़िता को अपने खेत ले जाने के बजाय जंगल की ओर ले गया और वहां ले जाकर आरोपी ने पीड़िता से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया जबकि आरोपी ने कॉल करके अपने एक अन्य साथी को भी मौके पर बुलाकर घटना का वीडियो रिकॉर्ड करवाया। घटना के 3 दिन बाद आरोपियों द्वारा घटना का वीडियो वायरल करने पर पीड़िता ने परिवार के साथ थाने पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया जबकि पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पी न्यूज के लिए बुलंदशहर से सत्यवीर सिंह की रिपोर्ट। क्या कुछ पूरी घटना थी और क्या कार्रवाई? थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में एक रेप की घटना की जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़ित परिवार द्वारा ये बताया गया कि 14 तारीख को दोपहर के समय पे पीड़िता को भिंडी तोड़ने के नाम पे ले जाया गया और फिर खेतों पे ना ले जाके दूसरे स्थान पे ले जाके उसके साथ बलात्कार किया गया और एक दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बनाया गया। इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल और आगे कार्रवाई की जा रही है। तो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, कौन-कौन से धाराओं में? ये अभियोग जो है SC ST पॉक्सो IT एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है तथा IPC की सभी सुसंगत धाराएँ लगाई गई हैं और एक व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने बलात्कार की तहरीर दी है और दूसरे के द्वारा वीडियो बनाने की बात तहरीर में बताई गई है। मेरा घर आया, मुझे घर से बितरवा किया, बितरवाने के लिए ले गया, मेरे घर बदतमीजी करी, बदतमीजी कर कर मेरे कान का बंदूक रखी, घर बताएगी तो घर वाले को मार दूंगा। कोई वीडियो भी बनाया था? वीडियो भी बनाया। अच्छा, वीडियो किसने बनाया था? दूसरे वाले ने। तो दूसरे भी बनाया था? अब जो दफ्तर आए, किस लिए आए, क्या हुआ था? मेरी बहन को एक किसान ले गया था खीरे भिंडी तोड़वाने के बहाने और उसने वहाँ पे जाकर उसके साथ जबरदस्ती रेप करा। उसका एक साथी था जिसने उसकी वीडियो बनाई, फिर वीडियो बनाकर उसने वो वीडियो वायरल कर दी और हम CEO साहब के यहाँ पे आए हैं उसके तहरी देने के लिए जो उस मुजरिम को सजा होनी चाहिए।